अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। जामनेर शहरातील नगर परिषदेसमोरील बीओटी कॉम्प्लेक्स येथे अखिल भारतीय धर्मजागरण समन्वयक संपर्क कार्यालयाचे उद्घाटन करण्यात आले। सेवा आश्रम ट्रस्टचे श्याम चैतन्यजी महाराज यांच्या हस्ते हे उद्घाटन करण्यात आले असून या ठिकाणी बंजारा समाजाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या वतीने पत्रकार परिषद देखील घेण्यात आली। अखिल भारतीय बंजारा आणि लभान समाजाच्या 25 जानेवारी ते 30 जानेवारी 2023 होऊ घातलेल्या संमेलनासंदर्भातील माहिती किंवा या संमेलनात सहभागी होण्यासाठी या संपर्क कार्यालयाची स्थापना करण्यात आली असल्याचे वक्तव्य श्याम चैतन्यजी महाराज यांनी या पत्रकार परिषदेत केले आहे। प्रतिष्ठित मान्यवर, आज बापूजींच्या हस्ते आणि सर्व प्रतिष्ठित आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि अखिल भारतीय धर्मजागरण समन्वय समिती यांचे सर्व जे कार्यकर्ते आहेत यांच्या हस्ते आज आपल्या अखिल भारतीय बंजारा आणि लभाना समाजाचं कार्यालयाचं उद्घाटन झालेलं आहे, म्हणून मी त्यांचे आभार व्यक्त करतो आणि सगळ्यांनी कार्यक्रमाला स्वागत करतो। आपण हे जे कार्यालय सुरू केलेलं आहे, या कार्यालयाचा उद्देश आहे अखिल भारतीय बंजारा व लभाना समाज संमेलन हे गोदरी तालुका जामनेर जिल्हा जळगाव या ठिकाणी 25 जानेवारी ते 30 जानेवारी 2023 या कालावधीमध्ये 6 दिवस होणार आहे। यामध्ये आपल्याला अखिल भारतीय धर्मजागरण समन्वय समिती आणि पत्रकार परिषद उद्घाटन घेणार आहे आपण आणि पत्रकार परिषद सुद्धा इथे घेणार आहोत कार्यक्रम झाल्यानंतर। संमेलनाचे आजचे उद्घाटन आपले संत श्यामबापूजी कौटुंब यांच्या हस्ते झालेलं आहे, त्या अनुषंगाने आपण उपस्थित सर्व धर्मप्रचारक मंडळाचे सदस्य, बापू अध्यक्ष, डायरेक्टर आणि माझे समाजबंधू मंडळींना 25 जानेवारी ते 30 जानेवारी 2023 अखिल भारतीय बंजारा आणि लभाना समाजाचं एक मोठं संमेलन आपल्याला गोदरीला घ्यायचं आहे। त्या हिशोबाने धर्मप्रसारक मंडळाचे सर्व सदस्य आणि बंजारा समाजाच्या आणि लहाना समाजाच्या चालीरीती संस्कृती यांचं एक मोठं प्रदर्शनसुद्धा आपण तिथे घेणार आहोत आणि असा हा 6 दिवस तिथे एक भव्य असा कार्यक्रम होणार आहे आणि आपले रामेश्वर भाऊ यांच्या सहकार्याने आज देशामध्ये नामांकित धर्मप्रचारक हे सुद्धा उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे। भारतामधून, भारताच्या बाहेरून दोघं समाजाचे संत महात्मा आणि आपण कधी महात्मा बघितले नसतील असे सुद्धा एक ज्यांचं एक नाव लौकिक देशामध्ये आहे असे महात्मासुद्धा या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत, तर त्याचा आपल्याला समाजाच्या वतीने लाभ घ्यायचा आहे आणि तो लाभ घेण्यासाठी आपण आजपासून सुरुवात केली तरच समाजामध्ये त्याचा प्रचार होईल आणि समाजाला माहिती मिळेल की बा तिथे काय कार्यक्रम होणार आहे आणि हे माहिती देण्यासाठी आपण जे सर्व ठराविक लोक आहोत, हे तज्ज्ञ लोक आहोत आपण, त्या तज्ज्ञाची आपण एक बैठक घेऊन हे ऑफिस येथे खोललेलं आहे। येथून आपण काही गाईडलाईन्स पाहिजे असतील आपल्याला तर त्या मिळतील, महाराज असतील, निलेश असेल, आम्ही असेल, सगळं त्यांच्यामार्फत आपल्याला माहिती मिळेलच। परंतु आपला समाज दांड्यांवर वाड्यांवर राहणारा समाज आहे, अशिक्षित समाज आहे, तर त्यांना सगळ्यांना ही माहिती मिळावी की तिथे कार्यक्रम काय आहे, का कशामुळे कार्यक्रम ठेवला आहे, कशासाठी ठेवलेला आहे, याची सगळी माहिती आपल्यामार्फत त्यांना द्यायची आहे आणि आपल्यामार्फत त्यांना आपल्याला त्या कार्यक्रमाला आणायचं आहे की हा कार्यक्रम कोणत्या उद्देशाने, कशासाठी आणि का घेतो आहोत आपण आणि आपण किती मागे आहोत, इतर समाज कुठे गेला, इतर समाजाच्या संस्कृती कशा आहेत, आपण आपल्या संस्कृती विसरून जात आहोत, तर याचं एक पुन्हा जाणीव व्हावी आणि त्याचा एक सगळ्यांना फायदा व्हावा अशासाठी आज हे संमेलन घेणार आहोत। तरी आपण येथे आलात, मला 2 शब्द बोलण्याची संधी दिली, त्याबद्दल मी सहयोगाचे आभार मानतो। माझे 2 शब्द
साक्षात प्रसन्नानंद श्री से आज अभी जामनी मंदिर में 2023 में होने वाले अखिल राष्ट्रीय बंजारा व लबाना सम्मेलन इसका एक कार्यालय का उद्घाटन के इस अवसर पर आप सभी यहाँ उपस्थित है सम्माननीय वैश्विक सामने बैठे मेरे भाई लोग माताएं बैठे और पत्रकार आप सभी को जय श्री कृष्ण जय सेवा। 2023 में हमारे अखिल भारतीय धर्म जागरण मंच के माध्यम से जो सम्मेलन लेने जा रहे हैं जिसमें कम से कम 10 से 12 राज्य से लोग आने वाले हैं। इसके पीछे का उद्देश्य है हमारी संस्कृति हमारी विरासत। कहीं ना कहीं हम हमारी संस्कृति को भूले चले जा रहे हैं। हमारी संस्कृति क्या है, आने वाली पीढ़ी को हम हमारी संस्कृति देने के लिए आज असक्षम हो रहे हैं। तो मेरे शब्दों में मैं हमेशा कहा करता हूँ कि जब तक संस्कृति है तब तक विकास है और बिना संस्कृति मनुष्य का विनाश है। तो कहीं ना कहीं हम पाश्चात्य संस्कृति की तरफ दौड़े चले जा रहे हैं और हमारी संस्कृति भूलते चले जा रहे हैं। इस कार्यालय के माध्यम से ये 2023 में होने वाले सम्मेलन की जानकारी हमारे पूरे जिला नहीं पूरे महाराष्ट्र में गति गतिविधि पर सभी समाज को हर घर इसका मैसेज जाए कि हम एक समाज का सम्मेलन लेने जा रहे हैं जिसमें हमारी संस्कृति क्या है, हमारा पहराव क्या है, हम डपड़ा पे हमारा क्या भाग होता है, नगारे पे हमारा नृत्य क्या होता है, कुछ प्रदर्शनी रखी जाएगी। ये सारा इस कार्यक्रम के पीछे का उद्देश्य है कि हमारी संस्कृति हमारी विरासत को हम जिंदा रखें। क्योंकि आज नई पीढ़ी को पूछो कि तुम्हारे कुल क्या है, तुम्हारा गोत्र क्या है, हम नहीं बोल पाते हमारे बच्चे, क्योंकि हमको पता नहीं हमारे बच्चों को क्या पता नहीं। तो हम जो भूले चले जा रहे हैं इस संस्कृति को, इस सम्मेलन के माध्यम से हर समाज तक इस विषय का आनंद लेने के लिए, इस समाज को कि बंजारा समाज की संस्कृति क्या है, लमणा समाज की संस्कृति क्या है, ये हम पूरे समाज को बताना चाहते हैं। इसमें कोई जाति भेद नहीं है, आओ कोई भी धर्मी आओ कोई भी पंथी, सबके लिए खुला है मंदिर ये हमारा। इस मंदिर में इस सम्मेलन में किसी कोई प्रकार का जाति भेद का विषय नहीं, हमारी संस्कृति हम सब तक पहुंचाने का इसमें एक सम्मेलन लेने जा रहे हैं जिसमें हमारे भारत के बड़े बड़े संत आने वाले हैं जो हमको हमारी मनुष्य जाति को क्या विचार होना चाहिए, क्या विचार लेना चाहिए, क्या हमारे जीवन में आचार चाहिए, क्या विचार चाहिए, हमारा खान क्या होना चाहिए, हमारा प्यान पान क्या होना चाहिए, हमारे जीवन में विकास कैसा हो, सर्वांगीण विकास, आध्यात्मिक सांस्कृतिक शैक्षणिक ये विकास कैसे हो, ऐसे बड़े पैमाने पर हमको बहुत सुंदर मार्गदर्शन मिलने वाला है। मित्र हो, हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है कि जहाँ सभी को समाया जाता है, जैसे समुद्र में सारी नदियां समाती है ऐसे हिंदू धर्म में सारी चीजें समाती है। इसमें कोई द्वेष नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, सब अपना, सब में उसी का नूर समाया, कौन है अपना कौन पराया, सबको पर कर प्रणाम तुझको अल्लाह। तो ये सब संस्कृति को, ये भारतीय प्राचीन संस्कृति को हम जन जन तक कैसे पहुँचाएं। और इस कार्यालय के माध्यम से यहाँ हर समय पर मीटिंग होती रहेगी, तालुका वाइज, जिला वाइज, स्टेट वाइज ये समिति बनाकर इस कार्यक्रम में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे सम्मिलित हो, इसमें अपने को किसी से निधि का संकलन नहीं करना है कि अपने को पैसा जमा करके बहुत कुछ करना है, जिसको जमे वो 100 रुपये दिए तो भी प्रॉब्लम नहीं, वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन हमको वहाँ जाकर इस कार्यक्रम का आनंद लेना है। वहाँ हर प्रकार की सुविधा मिलनी है, वहाँ आपको रहने की सुविधा मिलेगी, खाने की सुविधा मिलेगी और दुनिया के एक से बढ़कर एक संत हमको वहाँ मार्गदर्शन मिलेंगे कि मनुष्य जन्म क्या है। हम हमारे संस्कृति को खोकर क्या कर रहे हैं, थोड़ा पार सीख लिए या कोई एक बिल्डिंग बन गई या कुछ छोटी छोटी चीज़ हो गई तो हम बहुत कुछ हो गए, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी धर्मो रक्षति रक्षित, यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। और आज हम धर्म को भूले चले जा रहे हैं, जहाँ भी कोई धर्म का कार्य होता है तो हम वहाँ थोड़ा भाग लेने में सब कुछ आते हैं कि अरे क्या आ जाएंगे, बाबा लोगों का क्या है, लेकिन जब तक संत है तब तक ही हम सही ढंग से जीवन जी पाएंगे, नहीं तो हमारे महापुरुष नहीं रहेंगे, सब हमारे जीवन का बहुत हाल होना है। क्योंकि आग लगी आकाश में, बरसन लगी अंगार, न होते संत जन तो जल मरता संसार,
यदि इतने सारे संत हमको समय समय पर जागृत नहीं करते, समय समय पर हमको उनका संदेश नहीं मिलता, तो हमारा जीवन क्या था। इसलिए हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, ये एकता का संदेश, समाज एक कैसे हो, समाज के विकास, शैक्षणिक, आर्थिक, व्यापार में, बंजारा समाज व्यापार का बड़ा नाम कहा जाता है, बंजारा, जो बंजारा लदन का काम करता था। इसलिए हमारी संस्कृति को बचाने के लिए ये विश्व सम्मेलन होने जा रहा है, इसमें हम सब का सहयोग की आवश्यकता है, जिसमें हमारा धर्म जागरण मंच, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इतना बड़ा हमको सपोर्ट करते हुए कि चलो हम तुम्हारे साथ में है, वो प्लेटफॉर्म हमको इतना बड़ा दे रहा है, ये स्वर्णिम अवसर है, इतना सुंदर अवसर है, ये अवसर को हमको खोना नहीं है, इस अवसर का हम सब ने लाभ लेना है। किसी प्रकार के दिमाग में कोई कचरा न रखते हुए कि ये राजकारण का है, ये अमुक है, ढमुक है, हमारा धर्म जागरण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक राजकारण से कोई लेना देना नहीं होता है, यहाँ होता है मनुष्य जाति का विकास कैसा हो, जिसमें कोई जाति भेद नहीं, हर समाज के लिए। ये बंजारा सम्मेलन हो रहा है करके सिर्फ बंजारा सम्मेलन समाज के लिए लिमिटेड नहीं है, हम हर समाज को वहाँ आदर्श देना चाहते हैं। हमारी संस्कृति क्या है, इतने बड़े कोई महापुरुष आएंगे तो क्या बंजारा समाज के लिए थोड़ी ना आ रहे, वो सभी समाज के लिए, बंजारा साधु किसी समाज के लिए नहीं होता है साहब, वो नेशनल प्रॉपर्टी होती है, किसी एक के लिए नहीं होती है। इसलिए इस सुंदर आयोजन में, इस कार्यालय के माध्यम से, यहाँ कार्यालय चलेगा, ये कंप्यूटर वाला हमारा बच्चा रहेगा, वो समय पर जैसे जैसे हमारे को लिस्ट आती जाएगी वो सारा डाटा रखेगा उसके पास में। तो इस सम्मेलन में हमारे बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं, इसमें अच्छा कोई संदेश हो, आप अच्छा कोई सजेशन हमें देना चाहते हैं, तो आपका सजेशन का हम स्वागत करते हुए इस सम्मेलन को अच्छे से अच्छा कैसा करें, इस सम्मेलन को हम एक विश्व स्तर पर इसका एक अच्छा सा मैसेज कैसा दे कि समाज संगठन कैसा हो, समाज में विचार कैसे हो, समाज में शिक्षण हो, अंधश्रद्धा से हम बाहर कैसे निकले, व्यसन से हम बाहर कैसे निकले, ये सारी चीज़ें वहाँ पर एक सुंदर रात में भगवान श्री कृष्ण की लीला सुंदर है, मथुरा से लीला बताने वाले आएंगे, ये सारी सुविधाएं हमको फ्री में धर्म जागरण मंच और हमारे रामेश्वर गौ के सहयोग से इतना अच्छी संधि हमको हमारे घर बैठे आई है। इस संधि को न खोते हुए हम सब एक दूसरे को मदद करते हुए, ये सिर्फ ये हम दो चार लोग अध्यक्ष बन गए करके हम अध्यक्ष, ये ठेकेदार नहीं है, आप सब समाज इसके ठेकेदार हैं, इसलिए आप हर एक व्यक्ति इस कार्यक्रम का अध्यक्ष है, इस भाव से इसमें सब ने सहयोग करना है, और हमारे साथ में जो भी हमारे बाजू में रहने वाले हमारे भाई उनको सबको हमको सूचना देनी है, ये प्रोग्राम हमारा है, हमको मदद करनी है, हमको परिश्रम करना है, आने वाले जो बाहर से 7 राज्य से 8 राज्य से यदि लोग आएंगे तो हमारा कर्तव्य नहीं क्या कि उनको हम सही ढंग से हम उनको समय पे भोजन दे सके, हम सही ढंग से उनको स्नान की व्यवस्था कर सके, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। इस कार्यक्रम अपना खुद का है, इस भावना से इस कार्यक्रम में सब भाग लो, हमारा धर्म जागरण मंच तो हमको पूरी ताकत से मदद कर ही रहा है, लेकिन उनके साथ हमारा भी नैतिक कर्तव्य है, यदि इतना सुंदर नियोजन हमारे जामनेर तालुका में हो रहा है तो हमारे लिए कितना बड़ा सौभाग्य का बात है। इसीलिए करीब करीब सभी बातें सबके समझ में आई गई है, अब इसी समिति गठन करनी है, तहसील समिति, ग्राम समिति, राज्य समिति और ऐसी अलग अलग समिति का निर्माण होगा। इसके बाद 17 अगस्त को पूरे जामनेर तालुका की मीटिंग अपने गुरुदेव सेवा आश्रम में रखी हुई है, जिसमें हर एक गांव में इसका मैसेज जाना चाहिए हम सबकी जिम्मेदारी के साथ। और आज आप सब समय निकाल कर आए और इस कार्यक्रम को एक अच्छा सा रूप मिले, एक ये सफलता की तरफ कैसे जाए, इसके लिए आप अपना समय निकाल कर आए, इसके लिए ताली बजाकर आप सभी का आप हमारे पत्रकार भाई है सभी को भी धन्यवाद दूंगा। और मेरी वाणी को विराम करते हुए इस कार्यक्रम में त्रुटि यदि हम आपको लगती है तो आपका सजेशन वापस बोलो कि आपका सजेशन हमारे लिए अनमोल मार्गदर्शन रहेगा, आपका मार्गदर्शन के साथ इस सम्मेलन को हम सब मिल के सुंदर और एक अच्छा सा मैसेज समाज तक कैसे जाए, हम सब की जिम्मेदारी होते हुए सभी को शुभकामना देता हूं। और इस कार्यक्रम के लिए आप सब ने सहयोग करने के लिए जो एक उत्साह दिया, उत्साह बताया, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हुए मेरे दो शब्द भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हुए ओम शांति शांति शांति, जय श्री कृष्ण। या बातमी तिथेच थांबूया, ताज्या अपडेट्ससाठी www.jbnmaharashtra.com या आमच्या वेबसाईटला लॉग इन करा, तसेच यूट्यूबवरील आमचे व्हिडिओ पाहायला विसरू नका।
आणि गुगल प्ले स्टोरवरील JBN न्यूज ॲप डाउनलोड करून JBN महाराष्ट्र न्यूज चॅनल लाईव्ह पहा. नमस्कार.